हेलो फ्रेंड्स वेरी वाम वेलकम टू एल के अकेडेमी आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम सो टुडे वी विल कंटिन्यू विथ यर करंट अफेयर्स लेक्चर एंड टुडे वी विल स्टार्ट द रिमेनिंग अप्रैल मंथ्स एंड अप्रैल मंथ्स करंट अफेयर्स टॉपिक्स एंड फ्यू ऑफ देम आर फ्रॉम मे मंथ ओके स्टार्ट द इनिशियल वीक ऑफ मे चलिए तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज वरुणा ट्वेंटी ट्वेंटी वन अगर आपको अगर आपके पास लिस्ट है मिलिट्री एक्सरसाइज की या जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज की या जॉइंट नेवी एक्सरसाइज़ की तो आपको पता होगा कि वरुणा नाम की जो एक्सरसाइज है दैट इज डन जॉइंटली विद फ्रांस ओके सो दाइनटीन एडिशन ऑफ द इंडियन एंड फ्रेंच नेवी बायोलिट्रल एक्सरसाइज़ वरुण ट्वेंटी इज़ बींग कन्डक्टेड इन द अरेबियन सी

ओके ये एक्सरसाइज क्या है सो द इंडियन एंड फ्रेंच नेवीज हैव बीन कंडक्टिंग एक्सरसाइजिज सिंस नाइनटीन सिंस 1993 सिंस 2001 थाउजेंड एंड हैव बीन कॉल्ड वरुणा दिस इंटरेक्शन फर्दर अंडरस्कोर द शेयर वैल्यूज एज पार्टनर नेवीज इन इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ सीज एंड कमिटमेंट टू एन ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर ओके अब जॉइंट एक्सरसाइज क्यों की जाती है उसके बारे में डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज नाउ वी हैव सीन मल्टीपल मिलिट्री एक्सरसाइजेज नेवी एक्सरसाइजेज़ एंड एयरफोर्स एक्सरसाइजेज़ तो जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए उसको स्ट्रेंदन करने के लिए ऐसी एक्सरसाइजिज की जाती है इंडिया ऑलमोस्ट uh, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ है जापान यूएसए ऑस्ट्रेलिया उन सबके साथ इंडिया की ये एक्सरसाइजेज बायोलिट्रल एक्सरसाइजेज होती रहती है 2021 की एक्सरसाइज के बारे में क्या आ, खास बात थी सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यूनाइटेड अरब अमीरात यू ए इज पार्टिसिपेटिंग इन दी वरुणा मेरी एक्सरसाइज तो अब तक तो जो बायोलेटरल एक्सरसाइज थी उसमें इस बार यू ने भी पार्टिसिपेट किया है हो सकता है कि आने वाले टाइम में वरुणा में यू को जोड़ दिया जाए या यू के साथ अलग से एक ट्राईलेटरल या मल्टीलेटरल एक्सरसाइज की जाए सो दरुणा जॉइंट एक्सरसाइज इज़ अ पार्ट ऑफ द फ्रेंच कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स Uh, Clement Q-21 deployment which the French Navy is conducting in the Eastern Mediterranean Sea, the Gulf and the Indian Ocean. Its goal is to contribute to the stabilization of these strategic zones and strengthening cooperation within the navies of partner countries, in particular India for the Indian Ocean component. As part of this deployment, the carrier strike group is also taking part in एंटी आईसीस ऑपरेशन्स ओके तो क्योंकि फ्रांस में भी आईसीस का जो आ, प्रभाव है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था सो फ्रांस फ्रेंच गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट साथ में मिलकर एंटी uh, टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी मुखर तरीके से पार्टिसिपेट करती है सो द एक्सरसाइज विल सी हाई टेम्पो नेवल ऑपरेशन एट सी इंक्लूडिंग एडवांस्ड एयर डिफेंस एंड एंटी सबमरीन एक्सरसाइजिज टेक्टिकल मेन्यूवर्स अंडर वे एंड अदर मेरी टाइम सिक्योरिटी ऑपरेशनस ओके okay, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अदर इंडो फ्रेंच जॉइंट एक्सरसाइजेज़ कौन सी है सो एयर एक्सरसाइज है गरुडा एंड डेजर्ट नाइट 21 सो so, दो एयर एक्सरसाइज की जाती है नेवल एक्सरसाइज के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके दैट इज़ वरुणा एंड दी अदर वन इज़ आर्मी एक्सरसाइज जिसको नाम दिया गया है शक्ति दीज आर सम अदर इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो हम हमारे जो स्ट्रॉन्ग बाइलेट्रल रिलेशन हमारे जिन कंट्रीज़ के साथ है उनके साथ ये एक्सरसाइजेज की जाती है स्लाइनेक्स जो है वो श्रीलंका के साथ की जाती है स्लाइनेक्स के बारे में ऑलरेडी जी में पूछा जा चुका है बंगस सागर और इन बिन इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट दैट इज़ बांग्लादेश इसके बारे में इन बिन कॉरबेट के बारे में हमने पिछले uh, एक या दो लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कशन किया है ये रिसेंटली ही कंप्लीट हुई है उसके बाद है जिमेक्स जापान के साथ नसीम अल बहार ओमान के साथ इंदिरा एक्सरसाइज़ जो है दैट इज़ विथ रशिया जैर अल अलबहार कतार के साथ समुद्र शक्ति है इंडोनेशिया के साथ इंडो थाई कॉरपेट थाईलैंड के साथ इमकॉर है मलेशिया के साथ सिम्बैक्स विथ सिंगापुर एंड ओसिनडेक्स विथ ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी uh, मैं आपको बता चुका हूँ कि एक पूरा लिस्ट बना लीजिए जो असिस्टेटिक इन्फॉर्मेशन है एटलीस्ट वन और टू क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जामिनेशन में सीधा सीधा बाइलेटरल मेरी टाइम या बायोलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजिज से आपको पूछे जाएंगे सो यू शुड हैव दैट लिस्ट हैंडी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ नाउ व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ सो रिसेंटली द डेली कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द सेंटर टू फिलअप देकेंट पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड फाइव अदर मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बाई थर्टी फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी देखिए नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ जो कि इंडियन माइनॉरिटीज़ के लिए काम करता है जिसको भी गवर्नमेंट के थ्रू माइनॉरिटीज़ का स्टेटस मिला हुआ है उनके लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ काम करेगा एनसीएम काम करेगा उनके चेयरपर्सन और उनके जो फाइव अदर मेंबर्स हैं उनकी पोस्ट खाली है तो उस उसको फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट को बोला गया है बाई द डेली कोर्ट और वो पोस्ट कब तक भरनी है फिलअप करनी है थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन क्या है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज सो इन नाइनटीन सेवेंटी एट सेटिंग अप ऑफ द माइनॉरिटी कमीशन वॉज एनविज इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिजोल्यूशन

तो so, 1984 में उसको शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम दी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री टू दी न्यूली क्रिएटेड मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर विच एक्सक्लूडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फ्रॉम दमीशन ज्यूरिडिक्शन इन 1988. इन 1992 नाइनटी टू विद द इनैक्टमेंट ऑफ द एनसीएम एक्ट 1992, नाइनटी टू दी माइनॉरिटी कमीशन बिकेम अ स्टेचुटरी बॉडी एंड वॉज रीनेम्ड एज नैशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ और क्यों नाइनटीन नाइन्टी टू में ये एक्ट लाया लाया गया और नाइन्टीन नाइन्टी थ्री में एन सी एम बनाया गया क्योंकि हमने माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स थे उसके लिए यू एन में एक रेजोल्यूशन को साइन किया था सो इंडिया इज़ पार्टी टू दैट रिजोल्यूशन इंडिया हैज़ रेटिफाइड दैट रिजोल्यूशन एंड देट्स वाई वी हैव मेड अ सेपरेट

क्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन इंडिया विच आर डेजिग्नेटेड बाई गवर्नमेंट एज माइनॉरिटीज़ जिनको माइनॉरिटी का जो स्टेटस है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिला है कौन सी कौन सी वो माइनॉरिटीज़ है जो कि हमने अभी देखी मुस्लिम्स क्रिश्चन्स सिख्स बुद्धिस्ट जोरास्ट्रियंस एंड जैंस कंपोजिशन क्या है कौन चेयरपर्सन है कितने uh, कितने मेंबर्स होंगे एट्सेट्रा सो एन सी एम कंजिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन एंड फाइव अदर मेंबर्स एंड ऑल ऑफ देम शेल बी फ्रॉम अमोंग द माइनॉरिटी कम्युनिटीज तो देखिए टोटल सेवन मेंबर बॉडी है एन सी एम सब के सब जो होंगे वो माइनॉरिटी कमीशन माइनॉरिटी कम्युनिटी से होने चाहिए इफ़ दे दे आर नॉमिनेटेड एज द मेम्बर ऑफ एन सी एम टोटल ऑफ सेवन पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाई देंट्रल गवर्नमेंट शुड बी फ्रॉम अमोंग द पर्सन ऑफ एमिनेंस एबिलिटी एंड इंटेग्रिटी तो उन्होंने अपने फील्ड में अच्छा काम किया होना चाहिए वो एमिनंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए तब जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को रिकमेंड uh, करेगी दैट दिस शुड भी द चेयरपर्सन ऑफ एन सी एम और दिस शुड भी दाइस पर्सन ऑफ एन सी एम एंड सो एंड सो टेन्योर क्या होगा सो ईच मेंबर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पन ऑफ ऑफिस तीन साल के लिए उनको एक सिंगल टेन्योर दिया जाएगा फंक्शन क्या होगा तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए एनसीएम काम करेगा माइनॉरिटी के ऊपर अगर कोई एट्रोसिटी हो रही है तो उसके लिए काम करेगा उसके केसेस में माइनॉरिटी कमीशन की जो रिकमेंडेशन होगी उसको कोर्ट भी ध्यान में लेगा सो इवेल्यूएशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ अंडर द यूनियन एंड स्टेट सो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर माइनॉरिटी की क्या पोजीशन है उसके ऊपर माइनॉरिटी कमीशन आपका काम करेगा मॉनिटरिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द सेफ ऑफ माइनॉरिटीज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन लॉज अनेक्टेड बाई द पार्लियामेंट एंड द स्टेट दजिस्लेचर्स तो जो लॉज बन रहे हैं पार्लियामेंट में और असेंबलीज में स्टेट असेंबलीज में उसमें जो लॉ बन रहे हैं वो माइनॉरिटी को सेफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसको स्क्रूटिनाइज़ करने का काम भी कौन करेगा एन करेगा इनश्योर दैट द प्राइम मिनिस्टर्स फिफ्टीन पॉइंट प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ इज़ इंप्लीमेंटेड एंड द प्रोग्राम्स फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर एक्चुअली फंक्शनिंग तो प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रामिस किया है 15 पॉइंट प्रोग्राम जो बनाया है फॉर दी वेलफेयर ऑफ़ माइनॉरिटीज़ वो ऑन ग्राउंड ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखने का काम भी एनसीएम का है मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ बाई दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स तो अगर कोई लॉ बन रहा है उसमें उनके रिकमेंडेशन ध्यान में लिए जाएंगे विथ परस्पेक्टिव टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अगर वो बोलते हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए ऐसा लॉ होना चाहिए या लॉ में ये प्रोविजन होना चाहिए वो सारी चीज़ें पार्लियामेंट्री कमेटी अपने आ, ध्यान में लेगी लुकिंग इन टू स्पेसिफिक कम्प्लेन्ट्स रिगार्डिंग डिप्रीविएशन ऑफ राइट्स एंड सेफ गार्ड्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड टेकिंग अप सच मैटर्स विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो आ, पिछड़ा वर्ग है उसके ऊपर एट्रोसिटीज़ के काफ़ी सारे लॉज बने हुए हैं तो वो लॉज उन तक ठीक से पहुँच पाए अट्रॉसिटीज़ उनके ऊपर कम हो ये सब देखने का काम भी किसका है माइनॉरिटीज़ कमीशन का है इन्वेस्टिगेट मैटर्स ऑफ कम्यूनल कॉन्फ्लिक्ट एंड रिट्स राइट जैसे अभी दिल्ली में जो कम्यूनल राइट्स हुए थे तो उसको डीपली इन्वेस्टिगेट करना कि गलत तरीके से ऑथोरिटीज uh, किसी माइनॉरिटी को फंसाना दे ये देखने का काम भी किसका है एनसीएम का है फॉर एग्जांपल द 2011 भरतपुर कम्युनल रज वेल एज 2012 बोडो मुस्लिम क्लैशिज इन असम वर इन्वेस्टिगेटेड बाय द कमीशन एंड देयर फाइंडिंग्स वर सबमिटेड टू दी गवर्नमेंट ऑब्जर्व द माइनॉरिटीज राइट्स डे एवरी ईयर ऑन एटींथ डिसम्बर विच मार्क्स दडोप्शन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 1992. तो एक माइनॉरिटीज डे माइनॉरिटीज राइट्स डे भी हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन एटीन ऑफ डिसम्बर ताकि जो माइनॉरिटीज़ है उनके लिए अवेयरनेस जगा पाए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस क्या है माइनॉरिटीज़ के लिए सो द एन सी एम एक्ट डिफाइंस अ माइनॉरिटी एज अ कम्युनिटी नोटिफाइड एज सच द सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ये अथॉरिटी है किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस देने की द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेर्ड सिक्स रिलीजियंस नेमली मुस्लिम क्रिस्चियंस सिक्स बुद्धिस्ट एंड पार्सीज एंड जैन एज रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन इंडिया एज ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट टू थाउजेंड एंड फोर सो इट गिवज द माइनॉरिटी स्टेटस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ दोन रिलीजियस कम्युनिटीज नोटिफाइड बाई दी गवर्नमेंट द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को डिफाइन करता है बट द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो माइनॉरिटी की प्रॉपर डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें नहीं दी गई है आर्टिकल फिफ्टीन और सिक्सटीन जो कि इक्वलिटी के बारे में बात करता है सो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ़ रिलीजियन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ सिटीजेंस राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट एंड प्रोहिबिशन इन दिस रिगार्ड ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड अबाउट तो किसी भी ग्राउंड uh, पे चाहे वो रिलीजन हो रेस हो कास्ट हो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल फिफ्टीन एंड सिक्सटीन आर्टिकल ट्वेंटी फाइव क्लॉज वन ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी एट क्या कहता है सो पीपल्स फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी अपना रिलीजियन फॉलो करने से अपना फेथ फॉलो करने से मना नहीं करता है राइट ऑफ एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल परपजेज मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर्स एंड ओन and acquire property and, and administer it people's freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in educational institutions wholly maintained recognized or aided by the state so these are some of the articles which protects the uh, rights of minorities as well what about article 29

फ्रीडम uh, होना चाहिए हमने जो सिक्स स्कड्यूल के बारे में बात की थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए वो भी इसी को फॉलो करता है इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज़ वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हाउ एवर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज नॉट नेली टू माइनॉरिटीज़ ओनली एज यूज द वर्ड सेक्शन ऑफ सिटीजंस इन द आर्टिकल इंक्लूड्स माइनॉरिटीज एज वेल एज दी मेजोरिटी तो ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं है मेजोरिटी को भी अपना जो फेथ है या अपना लैंग्वेज जो है उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी परमिशन दी जानी चाहिए अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन

जैनिज़म का कोई स्कूल दिख जाएगा क्यों बिकॉज दोज आर माइनॉरिटीज़ सो ये जो आर्टिकल थर्टी है विच एक्सटेंड ओनली टू माइनॉरिटीज़ एंड इट डज नॉट अप्लाई टू मेजोरिटी आर्टिकल 350 बी क्या कहता है सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 इंसर्टेड दिस आर्टिकल व्हिच प्रोवाइड्स फॉर अ स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट वुड बी द ड्यूटी ऑफ द स्पेशल ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफ प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोजेक्ट दंतक सो रिसेंटली प्रोजेक्ट दंतक विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज पॉपुलरली नोन एज बी आर ओ इट्स डायमंड जुबली इन भूटान ओवर वन थाउजेंड टू हंड्रेड दंतक पर्सन लेट डाउन दियर लाइव वाइल कंस्ट्रक्टिंग इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन भूटान तो हमें पता है कि इंडिया और भूटान के जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है काफ़ी सालों से और भूटान चाइना के साथ कभी नहीं गया राइट भूटान हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड इंडिया इन ऑल इट्स पॉलिसीज़ सो प्रोजेक्ट दंतक वाज एस्टाब्लिस्ड ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल नाइनटीन सिक्सटी वन देखिए कितना पुराना आ, ये प्रोजेक्ट है इट वाज अ रिजल्ट ऑफ द विजनरी लीडरशिप ऑफ द थर्ड किंग ऑफ भूटान एंड देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू दंतक वॉज टाज टू कंस्ट्रक्ट दी पायोनेर मोटरेबल रोड्स ताकि जो भूटान में जो मोटरेबल रोड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बी आर ओ की तरफ से खड़ा किया गया है अचीवमेंट्स क्या है अब तक की सो ओवर द ईयर्स द प्रोजेक्ट हैज़ कम्प्लीटेड अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर ऑफ ब्लैक टू टॉप्ड रोड्स एंड वन ट्वेंटी किलोमीटर ऑफ ट्रैक्स इन भूटान विथ फाइव थाउजेंड मीटर्स ऑफ ब्रिजिज ओवर दैम अदर प्रोजेक्ट्स क्या है जो एग्जीक्यूट हुए हैं बिटवीन दी दिस बायोलेट्रल सो इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ पारो एयरपोर्ट योनफुला एयरफील्ड थिंपू ताराशिगेंग हाईवे टेली कम्युनिकेशन एंड हाइड्रो पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर शेरुप से कॉलेज कांगलुंग एंड इंडिया हाउस एस्टेट तो ये सारे जो बिल्डिंग्स हैं ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया की मदद से भूटान में बनाया गया है मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ क्या है सो द मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटीज अस्टाब्लिस्ड बाय दंतक इन फार फ्लंग एरियाज वर ऑफन द फर्स्ट इन दोज लोकेशंस तो क्योंकि भूटान के पास इतनी बड़ी इकनॉमी नहीं है भूटान के पास इतने रिसोर्सिस नहीं है इंडिया इज़ हेल्पिंग भूटान फूड आउटलेट्स सो द फूड आउटलेट्स अलॉन्ग द रोड इंट्रोड्यूस्ड द भूटान टू इंडियन डेलीकेज एंड डेवलप्ड अ स्वीट टूथ इन देम तो जो ये जो कल्चरल एक्सचेंज वाला जो प्रोजेक्ट uh, स्टार्ट किया गया था उसकी हम डायमंड जुबली मना रहे हैं इंडो भूटान रिलेशनशिप की बात करेंगे सो इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप वर साइंड इन 1949। सो द ट्रीटी प्रोवाइड्स फॉर अमोंग अदर थिंग्स परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इक्वल जस्टिस टू ईच अदर्स सिटीजन ठीक है तो भूटान के लिए सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो कौन सा है इंडिया है भूटान की हर जरूरत के लिए इंडिया हैज़ ऑलवेज टू डब बाई भूटान इन 2007 थाउजेंड एंड सेवन द ट्रिटी वॉज रीनेगोशिएटेड एंड द प्रोविजन्स वर इंक्लूडेड टू एनकरेज भूटान सॉवरेनिटी अबॉलिशिंग द नीड टू टेक इंडियाज गाइडेंस ऑन फॉरन पॉलिसी तो देखिए टू थाउजेंड सेवन तक ये था कि भूटान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इंडिया उसको रिकमेंडेशन देगा इंडिया उसको गाइड करेगा सो इन वन एंड अदर वे भूटान्स फॉरेन पॉलिसी वॉज ड्रिवन बाई इंडिया 2007 में क्योंकि भूटान में सोवरेनिटी की मांग उठ रही थी तो भूटान की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए इंडिया ने इस क्लॉज को ट्रिटी में से हटा दिया नाउ भूटान डज नॉट नीडेड टू टेक परमिशन फॉर इट्स फॉरेन पॉलिसी बट स्टिल फॉर लास्ट फिफ्टीन ईयर हमारे रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हुए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है मल्टी लेटरल पार्टनरशिप सो बोथ ऑफ देम शेयर मल्टी लेटरल फोरम सच एज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दैट इज़ सार्क 2016 से सार्क की मीटिंग नहीं हुई है सार्क में कौन से कौन से कंट्रीज़ है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान श्रीलंका भूटान नेपाल जैसे कंट्रीज़ है बट क्योंकि uh, पाकिस्तान ने पूरी अटैक करवाया था आ, इंडिया में उसकी वजह से ये आ, जो सार्क की मीटिंग है वो नहीं हो पाई है बॉयकॉट किया है इंडिया ने देन बी बी आई एन बांग्लादेश भूटान इंडिया एंड नेपाल फोरम बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्ट्रल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक्सेट्रा वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल उनका हेडक्वाटर कहाँ है कब उसको एस्टैब्लिश किया गया उसका मेन पर्पज़ क्या है कौन से कौन से कंट्रीज है ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन से कौन से है एवरी थिंग वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी सो वी आर नॉट गेटिंग इन टू डिटेल्स, बट फॉर यू दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज ऑल दोजॉपिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है सो म्यूचुअली बेनिफिशियल हाइड्रो पावर कॉपरेशन भूटान

खोलो गोच एच ई पी आर अंडर वरियस स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इंडिया इज़ भूटान्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आज भी काफ़ी सालों से यही ट्रेंड चल रहा है कि भूटान की जो भी ज़रूरत है भूटान का जो भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड है वो किससे हो रहा है आ, इंडिया से हो रहा है एंड भूटान के बारे में और एक आ, मतलब पॉजिटिव बात ये है कि काफ़ी सारे जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर इतने परेशान हैं बट भूटान को रूफ ऑफ़ द वर्ल्ड कहा जाता है और भूटान इज़ दी ओनली कंट्री इन दी वर्ल्ड जो कि कार्बन नेगेटिव कंट्री है और भूटान हैज़ मेड श्योर्ड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कि वो हमेशा कार्बन नेगेटिव कंट्री रहे अंडरस्टूड सो कार्बन नेगेटिव कंट्री होने का मतलब क्या है कि भूटान जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या कर रहा है एब्जॉर्ब करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है बी आर ओ एंड रेज्ड इन नाइनटीन सिक्सटी बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉर कोऑर्डिनेटिंग द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रीजन ऑफ द कंट्री इट वर्कस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमिशन लेकर वो काम करता है क्योंकि बॉर्डर वाले जो क्रिटिकल एरियाज़ है वहाँ पे वो काम करता है दैट इज द रीज़न इट हैज़ डाइवर्सिफाइड इनटू अ लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्क्स वर्क्राइजिंग एयरफील्ड्स बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स डिफेंस वर्क एंड टनलिंग एंड हैज़ एंडर्ड इट्स टू दी पीपल तो बी ने काफ़ी सारी जगह पर इतना अच्छा काम किया है कि वो लोगों की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन द बॉर्डर रीजियंस अंडरस्टूड तो ये बी आर ओ के बारे में आपको याद रखना है समरीचे रिसेंट अचीवमेंट्स क्या है सो so, अटल टनल अभी बनाई गई है जिसके बारे में ऑलरेडी हम सब जानते हैं इट इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश इज रोहतांग पास इट कनेक्ट्स सोलांग वैली नियर मनाली टू सिसू इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट उसके बाद है नेचीफू टनल फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड ऑन दी बालीपारा चंदौर तवांग रोड इन वेस्ट कमेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश देखिए अरुणाचल प्रदेश तक हम अपना जो कंस्ट्रक्शन है वो कर रहे हैं ताकि वहाँ के लोकल पीपल के साथ साथ हमारी आर्मी को भी हम स्ट्रॉन्ग बना सकें उसके बाद है दापोरी जो ब्रिज इट इज़ ओवर द सुबानसिरी रिवर इन अरुणाचल प्रदेश देन कसोवाल ब्रिज इट इज़ ओवर रावी रिवर इट कनेक्ट्स कसोवाल एनक्लेव इन पंजाब अलॉन्ग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री देन डारबुक शौक दौलत बेग ओल्डी रोड विच इज़ पॉपुलरली नोन इज दौलत बेग ओल्डी रोड इट कनेक्ट्स लेह वाय विलेज ऑफ धारबुक एंड श्योक एट सदर्न श्योक रिवर वैली विद दौलत बेग ओल्डी पोस्ट नियर द नॉर्दर्न बॉर्डर ये जो डीबी है वो दैट इज़ अ वेरी फेमस स्पॉट इन दी लेह बर्सी ब्रिज लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन मनाली लेह हाईवे सो इट इज़ बिल्ट ऑन बग्घा रिवर विच जॉइंस विद चंद्रा River एट Tandi इन लाहौल to flow डाउन इन टू जम्मू एंड कश्मीर the दी चेनाब तो ये सबसे बड़ा ब्रिज है मनाली और लेह हाईवे का जिसको नाम दिया गया है बरसी ब्रिज तो ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो आ, किसके थ्रू कंडक्ट किए गए हैं बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नोन एज बी आर ओ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि गवर्नमेंट्स को वो कैसे गवर्न uh, करती है अपने ज्यूरिडिक्शन को उसके हिसाब से उनको रैंक किया जाएगा सो रिसेंटली इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड फोर्टी नाइन्थ इन दैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स फिनलैंड हैज़ टॉप्ड द लिस्ट और फिनलैंड काफ़ी सारे जो हैज़ अ पॉजिटिव इंडेक्स होते हैं उसमें फिनलैंड आगे होता है सो द सी जी जी आई इज़ रिलीज बाई द चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस विच इज़ अ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वाटर इन सिंगापोर The index classifies one, 104 countries in terms of government capabilities and its outcomes. Each country is measured across over 50 open data points. The index focuses basically on seven pillars: Kya hai wo seven pillars: leadership and foresight, robust laws and policies, strong institutions, financial st uh, stewardship, attractive marketplace. ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड रेपूटेशन एंड हेल्पिंग पीपल राइट तो बेसिकली ये सेवन जो पैरामीटर्स है या इसको आप सेवन पिलर्स कह लो उसके ऊपर गवर्नमेंट इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो कॉम्पिटिटिवनेस है बिटवीन दी कंट्रीज वो बढ़ाना ताकि हर कंट्री अच्छा काम कर सके और इवेंचुअली उसके जो सिटीज़न है उसको उसका फ़ायदा so it supports government leaders and public officers worldwide in nation building and strengthening public institutional capacity through training research and advisory work it also shares tools and frameworks for effective policy making and empowers nation to provide better public services for citizens परफॉर्मेंस ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़ तो हमारे आसपास के जो नेशन है उनका क्या परफॉर्मेंस है इंडिया इज ऑन फोर्टी नाइन्थ रैंक श्रीलंका इज ऑन सेवेंटी फोर्थ पाकिस्तान ऑन नाइनटीन्थ एंड नेपाल इज ऑन नाइन्टी सेकेंड तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि क्योंकि वो शेयर्ड प्लेटफॉर्म रहेगा तो जो गवर्नमेंट लीडर्स एंड पब्लिक ऑफिसर्स है वो एक दूसरे की पॉलिसी को अपने हिसाब से अपने कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं इंडियन इनिशिएटिव्स फॉर गुड गवर्नेंस क्या है so good governance index so it has been launched by the ministry of personnel public grievances and pensions to determine this status of governance in the country it assesses the impact of various interventions taken up by the state government and union territories then we have started to celebrate good governance day it is celebrated annually on the 25th of December to mark the birth anniversary of the former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. It aims to create awareness of accountability in government among the citizens of India. National e-governance plan: kya hai? so, it has the vision to make all government services accessible to the common man in his locality through common service delivery outlets and ensure efficiency.

सर्विसेज है वो उसको अपने ही एरिया में मिल जाए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इट प्लेज एन इफेक्टिव रोल इन एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस अदर इनिशिएटिव क्या है सेटिंग अप ऑफ नीति आयोग जो कि पहले प्लानिंग कमीशन था बट इट वॉज नॉट मच अफेक्टिव उसको रिप्लेस किया गया है नीति आयोग से मेक इन इंडिया प्रोग्राम लोकपाल एट्सेट्रा सो दीज आर सम अदर इनिशिएटिव जिसकी वजह से हमारा गवर्नेंस जो है पिछले काफ़ी सालों में क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है ना वॉट इज़ गवर्नेंस सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाई विच डिसीजन्स आर बींग इम्प्लीमेंटेड और नॉट इम्प्लीमेंटेड गवर्नेंस कैन बी यूज इन सेवरल कॉन्टेक्सट सच एस कॉरपोरेट गवर्नेंस इंटरनेशनल गवर्नेंस नेशनल गवर्नेंस एंड लोकल गवर्नेंस गुड गवर्नेंस क्यों जरूरी है सो इट इज़ एन अप्रोच टू गवर्नमेंट दैट इज कमिटेड टू क्रिएटिंग अस्टम फंडेड इन जस्टिस एंड पीस दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज तो ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए पीपल और सोसाइटीज को रेज करने के लिए अगर आप आपकी गवर्नमेंट काम करती है सो इट विल भी कंसिडर्ड एज गुड गवर्नेंस एट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस एज आइडेंटिफाइड बाई द यूनाइटेड नेशनस क्या है पहला है कंसेंसस ओरियंटेड पार्टिसिपेटरी फॉलो द रूल ऑफ लॉ इफ़ेक्टिव एंड एफिशियट इक्विटेबल एंड इंक्लूजिव रिस्पॉन्सिव होना चाहिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड अकाउंटेबल होना चाहिए सो वे नीति आयोग वॉज अ सेटअप मोस्ट ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कवर्ड एज अ पिलर्स इन नीति आयोग फॉर्मेशन तो आप जब नीति आयोग का फॉर्मेशन पढ़ोगे तो आपको मोस्टली ये सारे के सारे डिरटली और इनडिरेक्टली ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको वहाँ पर भी मिलेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ओके तो हमारे फर्स्ट सी डी एस जो है इंडिया के बिपिन रावत द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैज़ ऑपरेशनलाइज द थर्ड जॉइंट लॉजिस्टिक नोड इन मुंबई नाउ व्हाट इज दिस जॉइंट लॉजिस्टिक नोड विल स्टडी दैट अदर ऑपरेशनलाइज्ड जे आर गुवाहाटी एंड पोर्ट ब्लेयर क्या है सिग्निफिकेंस जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड का सो दीज जे एल विल प्रोवाइड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कवर टू द आर्म्ड फोर्सेस फॉर देयर स्मॉल आर्म्स अम्यूनिशन राशन फ्यूल जनरल स्टोर्स सिविल हार्ट ट्रांसपोर्ट एविएशन क्लोथिंग स्पेरस एंड ऑल्सो इंजीनियरिंग सपोर्ट इन एफर्ट टू सिनरजाइज देयर ऑपरेशनल एफर्ट

One of the means to achieve jointness is through the setting up of the integrated theater commands for the best use of military resources to fight future. बैटल्स तो देखिए बेसिकली जो जे है वो क्यों बनाया गया है ताकि लॉजिस्टिक के जो इश्यू हैं उसको सॉल्व किया जा सके स्मॉल आर्म एम्यूनिशन इजीली उनको पहुंचाया जा सके राशनस पहुंचाए जा सके फ्यूल जनरल स्टोर्स तो जो ऑपरेशनल डिफिकल्टीज या ऑपरेशनल ऑब्स्टेकल जिसको आप कह सकते हो जो आर्मी को अलग अलग रीजन में फ़ेस करने पड़ते हैं वो ना फेस करने पड़े दैट्स वाई जे एल एन आर जॉइंट लॉजिस्टिक नोड आर बींग सेटअप ताकि हर लॉजिस्टिक नोड को अगर एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाएगा तो जो लॉजिस्टिक में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे आर्मी को वो क्या हो जाएंगे दूर हो जाएंगे राइट right? अब देखिए क्यों आर्मी को लॉजिस्टिक्स में इश्यू आता है क्योंकि आर्मी जहाँ पर अपना कैम्प सेटअप करके आ, हमारे बॉर्डर पे हमारा प्रोटेक्शन करता है तो दोज आर वेरी क्रिटिकल एंड वेरी फार्दर मोस्ट एरियाज जहाँ पर ना रोड की सुविधा है ना नेटवर्क की सुविधा है ना देर आर मल्टीपल ऑबस्टिकल्स इन बिटवीन उसको ओवरकम करने के लिए ये जॉइंट लॉजिस्टिक नोड्स बनाया जाएगा नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड सो एन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एन वी सी इज़ अ यूनिफाइड कमांड ऑफ़ द्री सर्विसेज दैट इज मिलिट्री एयरफोर्स एंड नेवी अंडर अ सिंगल कमांडर फॉर जियोग्राफिकल थिएटर्स दैट आर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न तो ऐसे क्रिटिकल एरियाज जहाँ पर मान लीजिए अगर कभी लड़ाई की नौबत आई तो एक ऐसी टीम बनाई जाएगी जिसमें कुछ लोग नेवी के होंगे कुछ लोग एयरफोर्स के होंगे और कुछ लोग मिलिट्री के होंगे सो ऐसी ट्राई सर्विस जो टीम्स बनाई जाएगी जो कमांड बनाए जाएंगे उसको इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड कहा जाएगा द कमांडर ऑफ सच अ फोर्स विल बी एबल टू बेयर ऑल रिसोर्सिस एट हिज डिस्पोजल फ्रॉम द आर्मी

कम्युनिकेशन होना चाहिए वो नहीं है एंड वी हैव फाउंड अ बिग कम्युनिकेशन गैप अमोंग द सर्विसेस तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने से और सी की पोस्ट बनाने से ये जो चीज़ है वो उसको हम फिल कर पाएंगे द सर्विसेज विल गेट टू नो वन अनदर बेटर स्ट्रेंदनिंग कोहेजन इन द डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट द शेकटकर कमिटी हैज़ रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ थ्री इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स नॉर्दन फॉर दी चाइना बॉर्डर वेस्टर्न फॉर द पाकिस्तान बॉर्डर एंड द सदर्न फॉर द मेरी टाइम रोल तो ये नाइनटीन नाइन्टी नाइन में इसको रिकमेंड किया गया था दो हजार बीस में उसको क्या किया गया बनाया गया प्रेजेंट ट्राई सर्विसेज कमांड सो वी हैव ओनली वन ट्राई सर्विसेज कमांड एज ऑफ नाउ एंड दैट इज आंदमान निकोबार कमांड इज द थिएटर कमांड विच इज़ हेडेड बाई द चीफ्स ऑफ थ्री सर्विसेज इन रोटेशन It was created in 2001 to safeguard India's strategic interest in Southeast Asia and the Strait of Malacca by increasing the rapid deployment of military assets in the island. The Strategic Forces Command was established in 2006 and is a functional tri-services command. It looks after the delivery and operational control of the country's nuclear assets. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस दिस इज जस्ट फॉर योर रिविजन दैट ही इज द ही इज़ इन दी रैंक ऑफ अ फोर स्टार जनरल विथ सैलरी एंड बेनिफिट्स इक्वीवेंट टू अ सर्विस चीफ तो जो आर्मी चीफ या नेवी चीफ को जो बेनिफिट्स मिलेंगे वही सारे बेनिफिट्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भी मिलेंगे द रिटायरमेंट एज ऑफ सी डी एस इज सिक्सटी फाइव ईयर विच इज़ थ्री ईयर्स मोर देन द रिटायरमेंट एज ऑफ द थ्री सर्विस चीफ़ तो जब बिपिन रावत 62 टू ईयर्स की एज पे रिटायर हुए थे एज अ आर्मी चीफ़ क्योंकि बिपिन रावत के पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था डिफेंस का इसीलिए लिए सी की जो पोस्ट थी उसका रिटायरमेंट एज रखा गया सिक्सटी ताकि बिपिन रावत को यहाँ पे डिप्लॉय किया जा सके एज द फर्स्ट सी डी एस ऑफ इंडिया द क्रिएशन ऑफ अ सी डी एस वॉज सजेस्टेड बाई द कारगिल रिव्यू कमेटी इन फेब्रुवरी ट्वेंटी इन फेबरुअरी टू थाउजेंड रोल ऑफ सी डी एस फंडामेंटली द सी डी एस विल परफॉर्म टू रोल्स पहला रोल क्या है सो द सी डी एस विल एक्ट एज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑन ट्राई सर्विसेज इश्यूज तो अब चीफ़ जाकर मिनिस्टर से बात नहीं करेंगे अब सी जाकर मिनिस्टर से बात करेंगे तीनों चीफ के भी जो चीफ है वो कौन होंगे सी होंगे सेकेंड रोल क्या है सो द सी डी एस विल लीड द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स डीलिंग विथ द थ्री सर्विसेस तो तीनों चीफ के जो चीफ होंगे वो कौन होंगे सी डी एस सो दिस वॉज़ योर टूडेज लेक्चर गाइज आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टॉपिक अगर कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी Till then, stay home, stay safe, thank you.